Unites.com, redefining Bollywood. सलमान को तो मैं टोटल श्रेय दूंगा. मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था सलमान से. मैंने बोला कि यार आपने तो मुझे एकदम एम्बेरस कर दिया है और आप प्लीज़ क्या कर रहे हैं. तो उसने कहा नहीं नहीं यार मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ. बट दैट इज़ हिज लव एंड हिज अफेक्शन एंड आई होप दैट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर हिम विच आई डेफिनेटली विल. सलमान का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है. बट आई एम श्योर आई हैव नॉट सीन द प्रोमो ऑफ जय हो क्योंकि मैं खुद अपने इतने माइंड में रहा हूँ. लेकिन मैं आज ही देखूंगा और मुझे यकीन है कि जय हो भी बहुत ही कमाल की फिल्म बनेगी. देखिए सलमान की जब भी फिल्म आती है तो हम सबको इंतज़ार रहता है और ख़ास तौर से मुझे. और आप लोगों की तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. नहीं 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 वो आपको बताने के लिए खुश करने के लिए बोल रहे होंगे कि वो बदल गए हैं. लेकिन वो बदले नहीं होंगे. और ये बात सही है कि वो आई थिंक पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ एज एन ऑडियंस कि उनके काम में बहुत फ़र्क आया. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जब मैंने दबंग देखी तो मुझे बेहद पसंद आई थी और मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ. तो आई थिंक ही इज़ ग्रोइंग एज एन एक्टर और आई एम रियली वेटिंग टू सी जय हो. जय हो टाइटल भी बड़ा अच्छा है और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी फिल्म का. जो टिकट प्राइसेस हैं धूम 3 के वो एग्जैक्टली पिछली जो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस उसी रेट्स पे रखे हैं. और कोई भी थिएटर में कोई भी बढ़त नहीं है टिकट प्राइस में. तो ये मैं साफ़ करना चाहूँगा और सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं. जो पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स. 1% भी बढ़त नहीं है उसमें. फ़र्क इतना है कि ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म है जो आईमैक्स में लगी है. आईमैक्स में कुल मिला के पूरे देश भर में 4 थिएटर हैं. 2 मुंबई में हैं, 1 हैदराबाद में और 1 बेंगलोर में. शायद 5वां होगा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 4 हैं या 5 थिएटर हैं. हम करीबन 4,000 से ऊपर स्क्रीन्स में आ रहे हैं हिंदुस्तान भर में. तो केवल वो 4 स्क्रीन्स छोड़ के बाकी जितने स्क्रीन्स हैं टिकट प्राइस बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है. जैसे गेटी में 70 रुपये का टिकट है. और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके बारे में जानकारी आप लोगों को ज़्यादा होगी, लेकिन शो टाइमिंग्स पे भी फ़र्क पड़ता है. जब सुबह का शो देखते हैं तो उसमें कम रेट होते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी फिल्म में भी हैं. वीकडेज पे शायद कम होता है. तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मल रेट्स हैं टिकट्स के, वही धूम 3 के भी हैं. ये एक्चुअली पता नहीं क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है. हो सकता है क्योंकि ये आई थिंक यशराज ने 2-3 दफ़ा क्लियर किया है कि हमारे टिकट प्राइसेस जो हैं ऐसे ही हैं. और जो बिल्कुल बढ़त नहीं की है टिकट प्राइस में. तो हो सकता है कोई कोशिश कर रहा होगा लोगों को, पता नहीं उसके बारे में मुझे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Click on the subscribe button and stay tuned.